आप सभी भाइयों का मैं फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। भाइयों, अभी नौरते ख़त्म होने के टाइम पर हमारे फार्म पर एक गदरी राठी नस्ल की गौवंश ने एक काफ़ी सुंदर बछड़े को जन्म दिया है। और भाइयों, आप देख सकते हैं जो एक गौवंश है गदरी राठी नस्ल की, काफ़ी अच्छी हाइट और जो इसकी अडर क्वालिटी है, काफ़ी शानदार जो इसकी अडर क्वालिटी है। अभी इसने 10 से 12 मिनट पहले ही इस बछड़े को जन्म दिया है। और भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे फार्म पर 20 से 25 गाय हमेशा अवेलेबल रहती हैं सेल के लिए, तो मैं उन सभी का वीडियो यूट्यूब पर डाल सकूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब भाइयों, इस गाय के बारे में बात करते हैं। आप इसकी जो अडर क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार इसकी अडर क्वालिटी, मुठिया थन और एवरेज साइज़ का गैप है थनों के बीच में, अगले दोनों थन बराबर और पिछले दोनों बराबर। और भाइयों, अभी फ़िलहाल जो इसकी मिल्किंग कैपेसिटी का अनुमान लगाया जा रहा है वो 12 से 13 लीटर है। थर्ड लैक्टेशन अब की बार, अभी अभी ये थर्ड लैक्टेशन में आई है, यानी तीसरा ब्यात। और गदरी राठी नस्ल की ये गोवंश, और काफ़ी सुंदर ये गोवंश है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी मैं इसको घुमा के नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन मेरे पास एक 5 से 6 दिन पहले का वीडियो है, तब इसकी अडर क्वालिटी इतनी तो नहीं थी, लेकिन जो भी इसकी अडर क्वालिटी थी उसका वीडियो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो भाइयों, उस वीडियो को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये इसके ब्याने से 5 से 6 दिन पहले का वीडियो है, और अब भी आप इसकी अडर क्वालिटी देख सकते हैं घूमते वक्त। 5 से 6 दिन पहले भी इसने इतनी अच्छी अडर क्वालिटी दिखा रखी थी। और भाइयों, अब भी आप इसकी थनों की पोजीशन देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप में से काफ़ी भाई मुझसे पूछते हैं कि आपका ये फार्म कहाँ पर है, तो मैं उन भाइयों को बताना चाहूँगा, मेरा ये फार्म हरियाणा स्टेट में चरखी दादरी ज़िले, जो कुछ साल पहले भिवानी ज़िले से अलग हुआ था, उसके एक महड़ा गांव में एक मंदिर है पहाड़ पर, उसके पास ही हमारा ये फार्म पड़ता है भाइयों। और इस फार्म का नाम है हमारे फार्म का दादा दौड़ा डेयरी फार्म, जो हमारे मंदिर के नाम पर पड़ा हुआ है।